स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो हमारे आर्म में यहाँ कौन सी बोन होती है, ह्यूमरस होती है ना, तो हम ह्यूमरस बोन पे मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन डिस्कस करेंगे। आप इस वाले डायग्राम को देखिए, आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, इस डायग्राम में सारे रेड कलर के मसल के ओरिजिन हो जाएंगे और इसी डायग्राम में सारे ब्लू कलर के सारे इंसर्शन हो जाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में इसके लर्न करने की ट्रिक बताता हूँ, इजिली हो जाएगा। चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमरस बोन पे मसल्स का अटैचमेंट। अब यार कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो ह्यूमरस से बन के निकलती हैं, तो वो ओरिजिन में आ जाएंगी, और कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो ह्यूमरस पे आकर के इंसर्ट हो जाती है, तो वो इंसर्शन में आएगी। ठीक है, ओरिजिन के लिए फॉर्मूला सिंपल सा है। आज मेरा बेटा है वो फेसबुक पे पकड़ा गया है और मुझे पता चल गया है कि उसके नंबर अभी तक टेस्टों में क्यों नहीं आ रहे थे। तो आज तो मेरा जो बेटा है वो फेसबुक पे पकड़ा गया है। ऑब्वियसली जब आपके बच्चे के भी नंबर नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली तुम पता लगाने की कोशिश करोगे कि उसके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे टेस्ट में। तो जब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा तो दिन भर फेसबुक पे लगा रहता है, तो भाई ऐसी मुझे भी पता चला कि आज मेरा बेटा फेसबुक पे लगा पड़ा है, तो मैंने इसीलिए लिखा है बेटा फेसबुक पे लगा पड़ा है। अब देखो, बी से जो मसल है बेटा वो हो गई आपकी ब्रेकियालिस, ई से जो मसल है यार वो हो जाएगी आपकी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, टी से जो हो जाएगी वो ट्राइसेप्स मसल हो जाएगी। लेकिन आप जानते हो कि ट्राइसेप्स में तीन हेड होंगे, तीन में से एक हेड, याद करो मैंने आपको पिछली वीडियो में स्कैपुला में डिस्कस करा था, तो जब तीन में से एक हेड स्कैपुला में चला गया तो अब तो दो हेड बचे ना, एक आपका लेटरल हेड बच गया, दूसरा आपका मीडियल हेड बच गया, क्योंकि लॉन्ग हेड तो स्कैपुला में चला गया था भाई। ठीक है, ए से आपकी एनकॉनियस मसल हो जाएगी, एफ से आपकी फ्लेक्सर मसल्स हो जाएंगी, बी से आपकी ब्रेकियो रेडियालिस मसल हो जाएगी, पी से आपकी प्रोनेटर टीरिस मसल हो जाएगी, ई से आपकी एक्सटेंसर मसल हो जाएगी। ये है। अच्छा सुनो, फ्लेक्सर मसल वो सारी कॉमन फ्लेक्सर मसल जो कि सुपरफिशियल चलती है हमारे हाथ में, और वो सारी एक्सटेंसर मसल कॉमन जो कि सुपरफिशियल चलती है हमारे हाथ में। तो कॉमन सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल, कॉमन सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल, पी फॉर प्रोनेटर टीरिस है बेटा, बी फॉर ब्रेकियो रेडियालिस है, ए फॉर इनकोनियस है, टी ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स में तीन हेड होते हैं जिनमें से एक हेड हम स्कैपुला में डिस्कस कर चुके थे, तो दो हेड बचे जो कि यहां डाल देना है। ई से एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गर, बी से आपकी ब्रेकियालिस मसल हो गई। तो ये तो आपकी सारी ओरिजिन वाली मसल हो गई जो आप बुक में चेक करेंगे अपनी एनाटॉमी की। और इंसर्शन में देखते हैं, इंसर्शन में बहुत आसान है। आपने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल सुना होगा किडनी की नेफ्रॉन में जो होता है, तो किडनी के नेफ्रॉन में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल भी होता है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल भी होता है। डीसीटी स्पेशल होता है क्योंकि उसमें कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन लगते हैं, इतना खैर लंबा चौड़ा छोड़ो, बट याद रखो डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल को आज आपको तोड़ना है, आज आपको स्प्लिट्स करना है। ठीक है, तो हमें डीसीटी को तोड़ना है, वो आगे कलेक्टिंग डक्ट बन जाएगा, फिर आपका डक्ट ऑफ बेलिनी बन जाएगा, ऐसे करके हम उसे तोड़ देंगे आज। तो फिलहाल डीसीटी को आपको तोड़ना है, तो डीसीटी स्प्लिट करना है आपने। ठीक है, अब इसमें डी से सोचो कौन सी फेमस मसल होगी, डेल्टॉइड जो कि मल्टीपिनेट मसल होती है, पावरफुल होती है शोल्डर पे, आपको पता होगा। सी से आपकी कौन सी मसल होगी बेटा, कुरेको ब्रेकियालिस मसल होगी, आपकी कुरेको ब्रेकियालिस मसल होगी। टी से आपकी टीरिस माइनर मसल होगी, तो सर टीरिस मेजर किधर जाएगी, येरी या टीरिस मेजर मसल आपकी, वो भी यही है टीरिस मेजर आपकी। ठीक है, आई से आपकी इंफ्रा स्पाइनेटस मसल होगी, तो सर हमें तो सुप्रा स्पाइनेटस की याद आ गई, कोई नहीं, ये रही आपकी सुप्रा स्पाइनेटस, सर हमें तो सब स्कैपुलरिस की भी याद आ रही है, हेरा यार सब स्कैपुलरिस मसल आपकी ये रही। ठीक है, पी से आपकी पेक्टोरलिस मेजर मसल आ गई है, और एल से आपकी लैटिसमस डोर्साई मसल आपकी आ गई है। सिंपल, तो ये आपकी सारी के सारे इंसर्शंस के ट्रिक हो गए मसल्स के, ये सारे के सारे आपके ओरिजिन के ट्रिक हो गए। एनाटॉमी की जो आपके पास फेमस बुक बीडी चौरसी है, कॉमन बुक है जो सबके पास रहती है, गो फॉर इट, और उसमें जाकर के आप सारी मसल्स को चेक करेंगे। ब्लू कलर से आपको ये दिखा रखी होंगी, रेड कलर से आपको ये दिखा रखी होंगी।